इस 85% की बाबा साहब ने कल्पना की है और अज 70 साल तो बहुजन समाज के और ओबीसी समाज के जेडे हक नहीं मिल रहे थे ओदे लई अज सत्ता भड़क आजादी का आयोजन जेड़ा समाजिक संघर्ष पार्टी वालों हलका फिलौर दे विच कीता गया। यह हलका फिलौर एक बहुत इतिहासिक धरती है, यह हलका फिलौर है जेदे विच श्रोमणी अकाली दल के प्रधान ने इतों एक कैंडीडेट नूं अपनी पार्टी शामिल करा के कहा कि मैं अज बहुजन समाज की जिहड़ी आ उह नीह लाउण लगा और मैनूं लगदा कि इस रैली तो बाद उहनूं पता लग जूगा भी ये जिहड़े सुपने दिन च भी देखे जा सकते हैं। सो नहीं छोड़ दिया, ये रास्ता खत्म कर दिया, उन्होंने नया रास्ता तैयार किया कि निर्धनों के छोटे छोटे साधन का सहारा लेकर, निर्धनों की जमान का सहारा लेकर, निर्धनों के दो पैरों और दो पहियों का साइकिल का सहारा लेकर, निर्धनों के हाथ के द्वारा वन नाइटी का सहारा लेकर, निर्धनों के वोट के साथ नोट मांगो अभियान का सहारा लेकर, निर्धनों के द्वारा जागृति और चेतना का फैला करके निर्धनों के बल पर और जालिम को जंगे मैदान में परास्त करके जो भी सरकार बनेगी वो निर्धनों के काम आएगी, सामाजिक बदलाव के काम आएगी। मेरी चाहत सामाजिक बदलाव के लिए है, सामाजिक बदलाव के लिए सामाजिक संघर्ष पार्टी का संघर्ष कर रही है, काम कर रही है। इसलिए मैं उनका हौसला बढ़ाने के लिए एक मजदूर का बेटा मान्यवर कांसी राम जी का चेला आपके पिंजौर के सरजमी पर आया है, पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि उत्तर भारत में मान्यवर कांसी राम जी को छोड़ करके, उनकी पॉलिसी को छोड़ करके दलितों और पिछड़ों का कोई भी आंदोलन कामयाब नहीं हो सकता है। बहुजन समाज पार्टी ने कांसी राम को छोड़ दिया तो वो मिट्टी में मिल गई है, सामाजिक बदलाव के आंदोलन को छोड़ दिया तो वो मिट्टी में मिल गई है और उठ खड़े होने का साहस नहीं रखती है। इसलिए हमें सामाजिक बदलाव के आंदोलन को जनमत तैयार करके और हमें निर्धनों के छोटे छोटे साधनों का सहारा लेकर लोकतंत्र को कामयाब बनाना होगा। और हमें अभी मलकिया सिंह साहब कह रहे थे कि खेती में और रेत में, शराब में, दूसरे और कामों में एक ही वर्ग का माफियाओं का दबदबा है, इसलिए हमें हिस्सेदारी केवल अब सरकारी नौकरियों में नहीं बल्कि संपदा के सभी स्रोतों में, रेत में, दारू में, बारू में, खदानों में और जमीन जायदाद में, धंधा व्यापार में भी हिस्सेदारी के लिए हमें मुद्दे गर्म करने होंगे, जनमत तैयार करना होगा। ऐसी मैं आपसे दरखास्त करते हुए और सामाजिक संघर्ष पार्टी इस दिशा में लड़ाई लड़ रही है तो उनको अपना सपोर्ट देते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद। जैसा बेटा है, एक बधुआ मजदूर का बेटा है और उत्तर प्रदेश में एक नहीं एक सैकड़ा मजदूरों को मान्यवर कांसी राम जी ने पार्लियामेंट में और असेंबली में भेजने का काम किया। अगर वोट बिकता रहेगा तो कभी भी निर्धन लोग जीत करके नहीं जाएंगे। वोट की बिकवाली बंद हो, वोट की बिकवाली बंद हुई और आप पंजाब में भी मुख्य विपक्षी दल के भूमिका में आ सके। आपने भी सत्ता की तरफ मजबूती से हाथ बढ़ाया तो जालिम ने आपके अंदर घुसपैठ कर ली, घुसपैठ किया और जब देखा कि फुटकर वोट की बिक्री नहीं हो सकती है, मॉरल स्टेटस, नैतिक बल समाज का इतना ऊंचे लेवल पर पहुंच गया है कि लोग वोट बेचने को तैयार नहीं है, पर कम संख्या वालों के जालिमों की अगर सरकार बनाना है तो वोट को बिकवाना जरूरी है, तो उन्होंने अंदर घुसकर इकट्ठा वोटों की बिकवाली चालू करा दिया। और जब से इकट्ठा वोट बिकने लगा अर्थात टिकट बिकने लगा
तो मजलूमों के कमजोरों के सरकारें बनना बंद हो गई है। न केवल बहुजन समाज पार्टी बल्कि समाजवादी पार्टी, आरजेडी, आरएनडी और अगर यही हाल अकाली दल का भी पंजाब में हुआ है। इसलिए मैं आपसे दरखास्त करना चाहता हूँ, आपसे बहुत जोर देकर के कहना चाहता हूँ कि धनवानों के धन का सहारा लेकर, धनवानों के धन का सहारा लेकर और धन के द्वारा चुनाव लड़के धनवानों को परास्त करके जो भी सरकार बनेगी वो धनवानों के ही काम आएगी, निर्धनों के काम नहीं आएगी। इसलिए लोक कल्याण के काम नहीं आएगी, लोक हित में नहीं आएगी, बदलाव के काम नहीं आएगी। मानवर कांसी राम जी का तहैया और इरादा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव लाने का था और निर्धनों का लोक कल्याण करना था, इसलिए उन्होंने इस रास्ते को छोड़ दिया, ये रास्ता खत्म कर दिया। उन्होंने नया रास्ता तैयार किया कि निर्धनों के छोटे छोटे साधन का सहारा लेकर, निर्धनों की जमान का सहारा लेकर, निर्धनों के दो पैरों और दो पहियों का साइकिल का सहारा लेकर, निर्धनों के हाथ के में आरक्षण का प्राविधान किया और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उसको कानूनी जामा पहनाया। गैर बराबरी का विधान मनु विधान बदलकर भारत का संविधान बराबरी पर आधारित संविधान और जमहूरियत और लोकतंत्र की स्थापना करने का काम किया। उसी बात को मान्यवर कांशीराम जी ने, जो जमहूरियत को फेल कर दिया गया, वोटों की बिकवाली चालू कराई गई 1936 से और वोटों की बिकवाली के कारण चुनाव वोटों की बजाय नोटों से होना प्रारंभ हुआ। चुनाव अगर नोटों से होगा तो वो लोग जीतेंगे जिनके पास नोट ज्यादा है, चुनाव अगर वोटों से होगा तो वो लोग जीतेंगे जिनके पास वोट ज्यादा है। एससी और ओबीसी समाज के पास मेरी समझ से नोटों की कमी है और वोटों का भंडार है, तो हमारी चाहत है कि चुनाव वोटों से हो, पर जिनके पास वोटों की कमी है, जो इस देश का शोषक वर्ग है, जो इस देश का जालिम वर्ग है, उसके पास नोटों का भंडार है और वोटों की कमी है, तो उनकी चाहत है कि चुनाव नोटों से होना चाहिए, वोटों से नहीं होना चाहिए। इस देश में एक ही शख्सियत है, आपकी धरती में पैदा हुआ इंसान, महान नायक मान्यवर कांशीराम जी, जिसने पूरे भारत देश में वोटों की बिकवाली को बंद कराया, हमें एक आदर्श दिया कि जो वोट बेचे समझो अपनी बहन बेटी की इज्जत बेचे, वोट और बेटी बेची नहीं जाती है बल्कि इज्जतदार लायकवर आदमी को सौंपी जाती है। वोट बेचना बंद करो, जो ना माने उसका बिरादरी में हुक्का पानी बंद करो। वोटों की बिकवाली बंद हुई तो उत्तर प्रदेश में ही नहीं संपूर्ण उत्तर भारत में जमहूरियत कामयाब हुई, लोकतंत्र कामयाब हुआ और ये दद्दू प्रसाद ये कैबिनेट मंत्री है मेरा पूरा परिचय नहीं है। दद्दू प्रसाद मान्यवर कांशीराम जी का चेला है और दद्दू प्रसाद एक बाउंडेड लेबर का बेटा है, एक बधुआ मजदूर का बेटा है और उत्तर प्रदेश में एक नहीं एक साथ